हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? तो आज हम बनाते हैं ककोड़े। तो पहले तो हम इसको काट कर वॉश कर लेंगे और फिर हम इसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको अच्छे से कट कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। हम इनको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, इसलिए आप इस मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अब दो प्याज लिए हैं, जिसको एक तो मैंने बारीक बारीक ऐसे चॉप कर लिया है और एक को मैंने थोड़ा मोटा काटा है। बारीक चॉप हुए जो प्याज हैं वो हम तड़के में डालेंगे, और जो ये वाला प्याज है जिसको मैंने बड़ा बड़ा स्लाइसिस में ऐसे कट किया है, इसको हम सब्जी के साथ बाद में डाल देंगे। तो इससे क्या आएगी, सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी, क्योंकि हम सब्जी बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। और इसको फटाफट से बना लेते हैं। ये देखिए ऑयल हमारा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा और ये बारीक कटे हुए प्याज और ये हरी मिर्च भी, और जो ये वाला प्याज है हम इसमें डाल देंगे। प्याज सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसमें सब्जी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें ककोड़े ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे चलाकर इसे हम ढक देंगे। ये देखिए ये अब हल्के गल गए हैं। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे मसाले। ये मैंने डाल दी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर, सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और सॉल्ट बाद में डालेंगे, ताकि इन ककोड़ों के साथ साथ जो ये मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। बस 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक है जो वो ऐड करके थोड़ी देर इसको और पका लेंगे, ताकि नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।